उनमें कुछ साइट्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे तो लाहौर फोर्ट के बारे में बताएंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट लाहौर कि वर इज़ एक्चुअली लाहौर सो लाहौर की अगर बात की जाए तो दो uh, हज़ार साल पुराना ये लाहौर शहर है जो एक बहुत ही मशहूर हिंदू करेक्टर रामा से स्टार्ट हुआ है टू इन सन्स लवू एंड कसू सो ऑन द नेम ऑफ लव इट्स लाहौर एंड ऑन द नेम ऑफ कस्सू अस्टिक पोइट सिटी बाबा भुले शाह का शहर विच सिचुएटेड ऑन फिरोजपुर रोड कसूर So uh, Lahore Aj just is the biggest city of Punjab, and uh, the second largest city of uh, Pakistan, in Asia on 16th number, and all over the world, Lahore is on 26th number. So Lahore, uh, actually uh, the city of gardens, city of colleges, city of food and festivals. but moreover this, it's also called the cultural capital of Punjab because of its rich history and diverse culture. सो वन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री तो हमारे पास बहुत से मोनूमेंट्स हैं लाहौर में जो जिनको हेरिटेज साइट्स भी कहा गया जैसे नाइनटीन एटी वन में लाहौर फोर्ट और शालामार बाग इन दोनों को एज ए पेयर हेरीटेज साइट्स यूनेस्को ने कहा उसके अलावा शालामार बाग है डेली गेट पर मस्जिद वजीर ख़ान है शाही हमाम है इसके अलावा हमारे पास और बहुत से आ, ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो हिस्ट्री से रिगार्डिंग हैं सो so, लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर को बेसिकली डिवाइड किया गया थ्री पार्ट्स में मतलब मॉडर्न लाहौर है देन द कलोनियल पार्ट ऑफ लाहौर एंड एट द एंड द वर्ल्ड सिटी लाहौर वर्ल्ड सिटी लाहौर वाई वी कॉल वॉल सिटी सो जलालुद्दीन अकबर बेसिकली बिल्ट अ नाइन मीटर हाई वॉल हैविंग ट्वेल्व गेट्स इन इट तो एक नौ मीटर की दीवार के अंदर बारह दरवाजे थे और उसके सराउंडिंग में ये लाहौर था जो आज इसका अगर फैल चुका है और मग़रब के वक्त ये दरवाज़े बंद हो जाते थे जस्ट एक डोर ओपन होता था जो इन और आउट के लिए होता था सो लाहौरी बेसिकली एम्फोसाइज देयर यूनिकनेस विद वन डिफरेंट स्लोगन एंड वी ऑल नो एक्चुअली वर इज़ द स्लोगन इट्स लाहौर लाहौर ए तो जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमया ही नहीं मीन्स हु सी लाहौर हु एक्चुअली नॉट बॉर्न एयर सो so, आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग तो मैं आपको एक टूर कराना चाहूँगा लाहौर फोर्ट का लाहौर फोर्ट जो बिल्कुल सेंटर uh, में लाहौर के ओल्ड सिटी के अंदर वॉल सिटी के अंदर मौजूद है और uh, अब वहाँ पर एक ग्रेटर इकबाल पार्क बन चुका है यानी ये एक फ्री स्टैप इन आप ना पे कोई टिकट है ऐसी ना कोई ऐसी पार्किंग है आप स्टैपिन होते हैं और उसमें आप फोर्ट देख सकते हैं रॉयल मॉस देख सकते हैं इफ़ यू हैव स्पेशल परमीशन तो गुरु अर्जुन देव का गुरुद्वारा रंजीत सिंह की समाधि सिम्बल ऑफ़ पाकिस्तान यानि मीनार पाकिस्तान और वन एकर्स के ऊपर ये ग्रेटर इकबाल पार्क सो so, अभी हम लाहौर फोर्ट की अगर बात करते हैं तो मोर देन टू थाउजेंड दोल्ड लैंडमार्क ये मड फोर्ट था यानी जब लहू यहाँ पर आया तो उसने एक मट्टी का टीला बनाया उसके ऊपर एक कला बनाया तो ये मड फोर्ट था बट इन 1556 जलालुद्दीन अकबर इट एज़ ए ब्रेक फॉर्म मतलब उसको ईंट का किला जो है वो जलालुद्दीन अकबर ने बनाया यहाँ पे हम इस वक्त जिस गेट पर खड़े हुए हैं अगर आप इस गेट का डिज़ाइन देखें आर्किटेक्ट देखें और आप थोड़ा सा अगर तखयल में जाएं, तो आपको इस गेट से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस गेट के बाद हम कौन सी दुनिया में एंटर होने जा रहे हैं तो जस्ट एक आ, आ, आप छोटा सा ब्लैंक ऑफ आय करें और अपने आप को इस तखैल में ले जाएँ कि अगर आप भी मुग़ल दौर में होते तो इस दरवाजे के बाद हम उसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं ये सदर दरवाज़ा है जिसको शाह बुर्ज गेट भी कहा जाता है इसके अलावा अकबरी गेट भी है जैसे आपको पता है स्पाइस मार्केट है लाहौर की बहुत बड़ी अकबरी मंडी उसकी बैक साइड पर है इसके अलावा आलमगीरी गेट जो कांटेक्ट करता है लिंक करता है लाहौर फोर्ट को और रॉयल मॉस को आपस में हजूरी बाग के बिल्कुल सामने शाहबुर्ज दरवाजे से हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप जो, जो इसकी एक्सटर्नल वॉल देख रहे हैं ये सिख डायनेस्टी में बनी रंजीत सिंह ने अठारह अट्ठारह में जस्ट फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन हिफाजत के तौर पर दीवार बनाई जिसकी चौड़ाई तकरीबन चौदह फीट है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई लोहा सीम पत्थर नहीं यूज़ हुआ ये अंडों से दालों से कसूरी बजरी से मिलकर ये दीवार बनी है जो स्टिल अभी तक एग्जिस्ट करती है फोर्ट का मैक्सिमम पार्ट जो है वो रेनोवेट भी हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ें अभी तक स्टिल अपनी एक्चुअल हालत में हैं बिल्कुल ये जो शाहबुर्ज गेट है जो आप सदर दरवाज़ा देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो लार्जेस्ट पिक्चर्ड वॉल है फोर मीटर मुसवरी दीवार जिसे कहा जाता है पिक्चर्ड वॉल जो लाहौर की है और यहाँ से हम एंटर होते हैं तो एक घाटी से हम ऊपर इसको स्टार्ट लेते हैं और अभी आप ये देख रहे हैं ऊपर एक पेरिस्टेरियन ब्रिज भी आपको नज़र आएगा जो लिंक करता है मोती मस्जिद को बारूद खाना से बारूद ख़ाना जो रिसेंटली एक्सप्लोर हुआ है ब्रिटिश दौर में बारूद ख़ाना रहा मुग़ल दौर में असला ख़ाना रहा और अभी रॉयल किचन्स भी इसके बिल्कुल साथ हैं तो ये लिंक करता है अगर थोड़ा सा हम आगे जाएं तो प्रेजेंट सेल्स आपको रॉयल किचन के बिल्कुल साथ राइट साइड पर नजर आते हैं जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और जुल्फ्कार अली भुट्टो साहब को भी क़ैद रखा गया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिसिस के बिल्कुल साथ हम आगे अप्रोच करते हैं तो एक बहुत खुला सा ये ग्राउंड है जो बेसिकली अ प्लेस ऑफ कॉमनर्स जहाँ पर आम राया के फ़ैसले किए जाते थे इसको कहा जाता है दीवान आम फोर्टी टू एकर्स के ऊपर ये पूरी टेरिटरी है मतलब ये फोर्ट जो है फ़ोर्टी टू एकर्स पर है बाईस हुक्मरानों ने यहाँ पर रूल किया लेकिन उसमें से चार जो थे उन्होंने ज़्यादा देर तक यहाँ पर हुक्मरानी की जिनकी अगर हम फॉर्मेशन देखें तो वो बनता है बाप बेटा पोता और परपोता यानी जलालुद्दीन अकबर नूरुद्दीन जहांगीर शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट आर्किटेक्ट डिफरेंट अपने अपने स्टाइल से इन्होंने इसके अंदर अमेंडमेंट की सिख आपको अंदर इसमें कुछ आर्किटेक्ट सिख दौर का भी नज़र आता है लेकिन ब्रिटिश दौर का बहुत कम इसके अंदर पोर्शन है जिन्होंने खुद से कुछ इसमें ऐड किया हो बात अगर हम दीवान आम की करें तो ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है फोर्टी पिलर्स हैं इसके फोटी पिलर्स और सिख दौर में ये एज़ ए गार्डन भी यूज़ हुआ और मुग़ल दौर में तो यहाँ पर राया के फैसले होते थे जो कॉमनर लोग थे उनके फैसले यहाँ पर किए जाते थे ये जो आप थ्रोन देख रहे हैं अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये है वो जलालुद्दीन अकबर का तख्त जिस पर बैठ कर वो ये फैसले करता था जहाँ पर सज़ाएँ भी मिलती थी जहाँ पर जजाएँ भी मिलती थी और जहाँ पर माफियाँ भी मिलती थीं इसके साइड पर जो आप झरोके देख रहे हैं बालकनीज़ देख रहे हैं ये कोइंस के लिए थी जो उन फ़ैसलों के वक्त बादशाह के साथ मौजूद होती थी ब्रिटिश uh, दौर में इसको एज़ ए हॉस्पिटल लिया गया यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया फर्दर ऑन यहाँ से अगर हम प्रोसीड करते हुए राइट uh, साइड right पर देखें तो आपको ये आर्च नज़र आएगी राइट right साइड पर जो अकबरी गेट की आर्ट्स है ये गेट जो है वो डिमोलिश हो चुका है मुनहदम हो चुका है लेकिन ये आर्ट्स जो है ये आपको एक बहुत खूबसूरत सा व्यू देती है कि इसकी बैक साइड पर अकबरी मंडी है और लेफ्ट साइड पर अगर हम नीचे उतरते हैं तो उतरते सार आगे शुरू होता है जहांगीरी क्वाड एंगल यानी अहाता जहांगीरी जो स्टार्ट तो किया जलालुद्दीन अकबर ने लेकिन ये कंप्लीट किया जहांगीर ने यहाँ पर सामने बिल्कुल बेडरूम्स हैं राइट साइड पर ये जो है ये गेस्ट रूम्स हैं जहाँ पर रोका जाता था जो गेस्ट थे उनको स्टे दिया जाता था और लेफ़्ट साइड पर दौलत खाना खासो आम क्योंकि जो बादशाह थे जो शहनशाह थे जो एम्परस थे वो बेडरूम्स में किसी से मुलाकात नहीं करते थे और ना ही गेस्ट हाउस में जाकर गेस्ट से मुलाकात करते थे तो इसके लिए ये दौलत खाना खासो आम यूज़ होता था ये बेसिकली अब एक आर्ट गैलरी बन चुकी है जहाँ पर आपको हाथी दांत का बना हुआ रपलीका ताजमहल का भी मिलता है कुछ पुराने कॉइन्स कुछ दस्तावेज़ात और रंजीत सिंह की बिलव्ड मेयर लैला का रफलीका यानी एक घोड़ी थी जिससे रंजीत सिंह को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार रहा जो उसकी घोड़ी थी तो उसका रपली भी इसी गैलरी के अंदर मौजूद है अगर हम बाहर आकर व्यू करें तो लेफ़्ट साइड पर हमारे जो है वो जिंद कौर की हवेली है यानी रंजीत सिंह रंजीत सिंह एक्चुअली द मैन हु हुज़ रूल ओवर पंजाब लाइक 40 इयर्स फ्रॉम 1799 टू 1840 उसने रूल किया तो इसकी जो बिलव्ड वाइफ थी वो जिंद कौर थी तो उसके लिए ये हवेली बनाई गई और राइट साइड पर है खड़क सिंह की हवेली अब खड़क सिंह का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह तो इट्स रियल मतलब ये एक सच्ची बात है शायद आपने पहले ना सुना हो कि खड़क सिंह एक बहुत ज़्यादा जलाली तबीयत का इंसान था और उसकी आवाज़ में इस कदर रोब था कि जब वो बोलता था तो खिड़कियाँ लरज़ने लगती थीं और जब ज़िंदगी के साथ साथ वो अलील हुआ और अलालत इस कदर बढ़ गई कि जब कभी तूफ़ान आते थे या बिजली चमकती थी तो खिड़कियाँ लरजती थीं और उसकी वजह से खड़क सिंह भी कांपने लगता था तो ये एक रियल स्टोरी है उस पूरे सेंटेंस के पीछे या अहात से अगर हम बाहर जाते हैं तो प्लेस आता है शाहजहाँ दौर में जो बेल्ट किया गया शाहजहाँ दौर में बेसिकली शीश महल बना 1632 थर्टी टू अंसारी साहब ने डिज़ाइन दिया दीवान ख़ास बना मस्जिद वज़ीर ख़ान बनी शाही हमाम बना तो 1632 थर्टी टू में ये सभी मोनूमेंट्स जो हैं बने शाहजहाँ में और यहाँ से अगर हम बात करें दीवान ख़ास की तो जो ख़ास फैसले होते थे जिसकी वजह से बाहर वालों को ना पता हो कि फ़ैसला क्या हुआ उस वजह से इसको नाम दिया गया दीवान ख़ास ये भी एक बेसिकली बेडरूम था शाहजहाँ का और जैसे आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं कि हम आपस में बात भी कर सकते हैं और आपके करीब बैठे हुए लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता कि बात क्या हुई लेकिन उस दौर में जैसे आप हर जगह पर देखें हर बेडरूम में देखें हर सेहन के अंदर हर कोरिडोर के अंदर आपको एक फ़ाउंटेन नज़र आ रहा है इट्स नॉट ऑपरेशनल राइट नाउ लेकिन ये चलते थे उस दौर में और यही वो नॉइज़ पैदा करते थे ताकि अगर कोई जिस तरह कहा जाता है उस दौर से ये मिसाल निकली है कि दीवारों के कान होते हैं कि अगर दीवार की पिछली साइड पर कोई कान लगा के आपकी बात सुन रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ़ दीज फाउंटेन्स ये पानी जब गिरता था तो एक नॉइज़ पैदा होता था जिसकी वजह से दीवार की उस तरफ जो खड़ा है उसको अंदाज़ा नहीं होता था कि अंदर क्या बात हो रही है तो दीवान ख़ास बेसिकली यहाँ पर ख़ास फ़ैसले होते थे इसके बिल्कुल साथ है पाई बाग पाई बाग अ स्पेशल प्लेस विच ओनली डेजिग्नेटेड फॉर फीमेल्स यानी यहाँ पर क्विंस जो हैं वो वॉक करती थी एक बारीक कपड़े से ढकी हुई थी और यहाँ पर वो अपनी कनीज़ों के साथ वॉक करते थे और यहाँ से अगर हम मूव करें तो द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द फोर्ट दर इज़ शीश महल कॉस्टेड नाइन लैक रुपीज़ ऑन दैट एरा और डिज़ाइन बाय शाहजहाँ फॉर क्वीन मुमताज़ व्हेन शी डिमांडेड टू सी स्टार्स ऑन अर्थ ज़मीन पर सितारे देखना चाहती थी तो यह शीश महल बना सोलह में क्वीन मुमताज़ के लिए जिस तरह आगरा दिल्ली में ताजमहल है इन दोनों की लव स्टोरी को इंडिकेट करता है उसी तरह लाहौर का यह शीश महल भी इनकी लव स्टोरी को इंडिकेट करता है नौलखा इसको कहा जाता है क्योंकि इस पे कॉस्ट आई नाइन लाख रुपीस ऑन दैट एरा अगर हम इसको कंपेयर करें तो बहुत कसीर तादाद बनती है आज कल के दौर में तो और अगर आप ये आर्ट्स देखें तो ये बिल्कुल क्विन मुमताज़ के क्राउन के स्टाइल का एक आर्ट्स दिया गया है और इसको नौलखा पवेलियन भी कहा जाता है इसी वजह से ये शीशा घर है बेसिकली इसके अंदर वो प्रेशियस स्टोन लगे इसके अंदर वो नवादरात लगे जिससे इसकी जो है वो वक्त बढ़ी जिससे इसकी वैल्यू बढ़ी ये बेसिकली दो बेडरूम्स हैं एक समर के लिए यूज़ होता था बेडरूम और एक विंटर बेडरूम और इसके अंदर जो ये ख़ूबसूरत नक्शो नगार हुआ है कि अगर आप लाइट ब्लिंक करें तो अभी भी शाइन लाइक अ स्टार ये दोनों कमरे चमकने लगते हैं अगर आप मोबाइल की लाइट भी ऑन करें तो उस दौर में जब चाँद की किरणों से ये तशबी दी जाती है कि वो सितारों की तरह चमकते थे इसके अलावा यहाँ पर उस दौर में जो डांस हुआ करते थे कत्थक परफॉर्मेंसेस हुआ करती थीं वो भी यहाँ पर ये जो आप आगे एक फ्लोर देख रहे हैं जो बेसिकली स्टेज नुमा है तो यहाँ पर डांस की भी तकरीबत होती थी यहाँ पर शहनशाहों के लिए कुछ अर्सा ये टाइम को मैयर करने के लिए भी ये जगह यूज़ हुई और उसके अलावा पानी के निकाश के लिए भी इस शीश पहल को यूज़ किया गया यहाँ से अगर हम बाहर जाएँ तो अब हम अपने एग्जिट पार्ट की तरफ जा रहे हैं कि ये एलिफेंट स्टेप्स जो आप देख रहे हैं ये चौड़े एलिफेंट स्टेप्स जो बनाए ही इस तरह गए हैं कि जो इसके ऊपर हाथी का पाँव है वो पिछला पाँव और अगला पाँव प्रॉपर स्टेबल रहे ताकि वो स्लिप ना हो तो इसलिए इसको एलिफेंट स्टेप कहा जाता है जो डिफरेंट है तब सभी स्टेप्स है मतलब आपने न्यू आर्किटेक्ट्स देखे होंगे मॉडर्न बिल्डिंग्स देखी होंगी तो इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएंगे सिवाय इस लाहौर के किला में तो यहाँ से हम उतरेंगे और राइट right साइड पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा वुडन डोर आपको नज़र आ रहा है ये है वो दरवाज़ा इस वक्त हम छत पर थे किला की। इसके नीचे भी तीन पोर्शन है तो ये है समर पैलेस जो गर्मियों में यूज़ होता था क्योंकि कंपैरेटिवली इसका टेम्परेचर समर्स में नॉर्मली ऊपर की नस्बत बहुत कम होता था तो ये समर पैलेसेस हैं यानी जैसा एक किला ऊपर है वैसा ही किला नीचे है तो अगर हमारे यहाँ तक रसाई हो तो हम इसको भी विज़िट करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर वो टनल्स हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में जाती थी वो पानी की वो आबशारें हैं जो कमरों के अंदर गिरती थी और ये खूबसूरत कुमकुमे बरकी कुमकुमे जहाँ पर ये चिराग रखते थे और इस एरिया को रोशन करते थे तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगर हम इधर विज़िट करेंगे तो यहाँ से एलिफेंट स्टेप से होते हुए इस वक्त हम फोर्ट से बाहर जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि हम उसी जगह पर वापस मौजूद हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम सदर दरवाज़े पर खड़े हैं और यहाँ से अभी हम फोर्ट से बाहर जा रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का ये जो भी टूर था इसको इंजॉय किया होगा और फर्दर ऑन हम इस तरह के मज़ीद टूर्स लेके भी आपके साथ आएंगे जिसमें डिफरेंट हमारे मोनूमेंट्स होंगे उनके ऊपर भी हम बात करेंगे थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने हमें सराहा बहुत शुक्रिया